नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 9000 करोड़ के घोटालेबाज भगोड़े विजय माल्या की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं। लंदन की कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। यहां हाई कोर्ट में दिवालियापन की याचिका लगाने वाला विजय माल्या हार गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने में आसानी हो सकती है। लंदन हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर भी हटा लिया है। इससे SBI की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों का कंसोर्टियम माल्या के कर्ज से वसूलने के और नजदीक पहुंच गया है। अब भारतीय बैंक माल्या की भारत में संपत्ति को कब्जा करके बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया लोन वसूल सकेंगे। SBI के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने अप्रैल में लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भगोड़े व्यवसायी को दिवालिया घोषित किए जाने की पुरजोर कोशिश की थी। विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 9000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। विजय माल्या का ये कहना था कि उसके ऊपर जो कर्ज बकाया है वो जनता का पैसा है, ऐसे में बैंक उसे दिवालिया घोषित नहीं कर सकते हैं। माल्या ने यह भी दावा किया था कि भारतीय बैंकों की तरफ से दायर दिवालिया याचिका कानून के दायरे से बाहर है। वो भारत में उनकी संपत्ति की सिक्योरिटी नहीं लगा सकते क्योंकि ये भारत में जनता के हित के खिलाफ है। लंदन हाई कोर्ट के चीफ इंसॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट के जज माइकल ब्रिग्स ने भारतीय बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं है जो माल्या की संपत्ति को सिक्योरिटी राइट्स प्रदान करे। ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का केस हारने और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से शरण की अपील खारिज हो जाने के बावजूद बैंकों को 9000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर भारत से भागने वाले विजय माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है। माल्या हर वो कोशिश कर रहा है कि जिससे उसे भारत न आना पड़े। कानून के जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन में उसके केस जीतने की संभावना न के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके पैतृक से उसे ब्रिटेन में कुछ दिन और रहने का समय मिल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि माल्या के ब्रिटेन में रहने के लगभग सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं कि विजय माल्या ने किस बैंक से कितना कर्ज लिया था। विजय माल्या ने पंजाब नेशनल बैंक से 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1600 करोड़, IDBI बैंक से 800 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 410 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़, यूको बैंक से 320 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया से 310 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ मैसूर से 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 140 करोड़, फेडरल बैंक से 90 करोड़, पंजाब सिंध बैंक से 60 करोड़ और एक्सिस बैंक से 50 करोड़। बता दें, अदालत ने अब इस मामले में अंतिम बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में 65 वर्षीय माल्या के पक्ष में और अथवा उसके अलावा दिवालिया आदेश देने के लिए 26 जुलाई को अंतिम बहस होगी। बैंकों का आरोप है कि माल्या मामले को लंबा खींचना चाहता है। उन्होंने दिवालिया याचिका को उसके स्वाभाविक परिणाम तक पहुंचाने की अपील की है। न्यायाधीश ने कहा है कि वो बैंकों को संशोधन की अनुमति देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।